टॉलस्टॉय की एक बहुत ही प्यारी कहानी है, जीवन का सच है उसमें। समझ लिया तो जीवन आसान हो जाएगा। एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान आया। वो सन्यासी बहुत से देशों की यात्रा कर चुका था। बातचीत करते करते सन्यासी ने उस आदमी से कहा, क्या तुम छोटी मोटी खेती में लगे रहते हो? साइबेरिया की यात्रा पर जब मैं निकला था तो मैंने देखा वहां तो जमीन इतनी सस्ती है कि लगभग मुफ्त ही मिल जाती है। तुम ये जमीन बेच बाच के यहाँ छोड़ छाड़ के साइबेरिया क्यों नहीं चले जाते? वहां तुम्हें इतनी जमीन के बदले हजारों एकड़ जमीन मिल जाएगी। वहां करो खेती बाड़ी, वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है और वहां के लोग तो इतने सीधे सादे हैं कि तुम्हें मुफ्त में ही जमीन दे देंगे। बस फिर क्या था, आदमी के मन में लालच जाग गया। उसने दूसरे ही दिन अपनी सारी जमीन बेच डाली और साइबेरिया की राह पकड़ ली। और जब वो साइबेरिया पहुंचा तो उसे सन्यासी की बात एकदम सच्ची लगी। वहां के लोग तो सच में सीधे सादे थे। उस आदमी ने साइबेरिया के लोगों से कहा कि मैं यहाँ जमीन खरीदने आया हूँ। उन लोगों ने उत्तर दिया, यहाँ जमीन खरीदने का एक ही तरीका है कि जितना पैसा तुम अपने साथ लेकर आए हो वो यहाँ रख दो और कल सुबह सूरज उगने से पहले यहाँ आ जाना। सूरज उगते ही तुम जमीन घेरने के लिए निकल पड़ना और सांझ को सूरज ढलने के साथ तुम यहीं पहुंच जाना जहां से तुमने शुरुआत की है। तुम जितनी जमीन घेर सकते हो घेर लेना। जितना तुम चलते जाओगे उतनी जमीन तुम्हारी होती जाएगी। बस एक बात का ख्याल रखना, सूरज उगने से पहले जहां से शुरू किया है सूरज डूबने से पहले वहीं खत्म करना होगा। रात भर सो नहीं सका वो आदमी। रात भर योजना बनाता रहा कि कितनी जमीन घेरेगा। सूरज निकलते ही वो आदमी भागने लगा, साथ में रोटी भी ले ली, पानी भी ले लिया। सारा गांव इकट्ठा हो गया और वो भागा। सोचा कि चलते चलते खा लेगा, चलते चलते पी लेगा। रुककर खाने का क्या मतलब है, समय खराब होगा। ज्यादा से ज्यादा जमीन जो घेरनी थी, चलना क्या था, बस दौड़ना था। चलने से आधी जमीन घिरेगी और दौड़ने से दुगनी। उसने सोचा कि 12 बजे तक वापसी शुरू कर देगा ताकि सही समय पर वापस पहुंच सके। 12 बज गए, एक भी बज गया, मीलों चल चुका था। न लालच का अंत हो रहा था ना उपजाऊ जमीन का। सोचा एक ही तो दिन की बात है, आज की ही तो मेहनत है, फिर ज्यादा से ज्यादा जमीन होगी मेरी। न भोजन किया ना पानी पिया, बस दौड़ता ही रहा। भोजन करता भी तो कैसे करता, उतनी जमीन का नुकसान जो हो जाता। जीवन भर भोजन ही तो करना है, पानी ही तो पीना है, पीते रहेंगे। उसने खाना फेंक दिया, पानी भी फेंक दिया। हाय रे इंसान की लालसा। 2 भी बज गए। अब याद आया उसे कि लौटना भी है, वापस उसी जगह जहां से शुरू किया था। लौटने के लिए हिम्मत बची ही नहीं, अब घबराहट भी होने लगी। सारी ताकत झोंक दी वापस लौटने में, पर ताकत तो खत्म होने के करीब थी। वो हांफ रहा था, घबरा रहा था, सोच रहा था कि पहुंच पाऊंगा या नहीं सूरज डूबने से पहले। वो पागल होकर दौड़ा, सब दांव पर लगा दिया। सूरज डूबने लगा। अब गांव की वो रेखा ज्यादा दूर नहीं थी जहां से शुरुआत की थी। गांव के लोग भी दिखाई पड़ रहे थे, वो आवाजें लगा रहे थे, उत्साह बढ़ा रहे थे। आ जाओ ले लो सारी जमीन, बस छू लो उस रेखा को जहां से शुरू किया था। उसने सारा दम लगा दिया, वो भागा, जी जान से भागा। सूरज डूब रहा था। सूरज डूबते डूबते क्षितिज पर आ गया। दूसरी तरफ वो आदमी रेखा के पास आ गया। कुछ 5-7 गज की दूरी ही रह गई थी कि वो आदमी घिसटने लगा। जैसे ही उस आदमी ने अपना हाथ जमीन के उस टुकड़े पर रखा जहां से उसने भागना शुरू किया था, वहीं सूरज डूब गया। यहां सूरज डूबा, वहां उस आदमी की सांसें डूब गई। शायद दिल का दौरा पड़ गया था। गांव के लोग जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे, ये पागल आदमी न जाने कहां से आ जाते हैं, ये आते ही रहेंगे और ऐसे ही मरते रहेंगे। अभी तक ऐसा कोई आदमी नहीं आया जो जमीन घेर कर जमीन का मालिक बन गया हो।
सब आते हैं लालच लेकर और सब कुछ दाव पर लगाकर यही खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमारी कहानी है, हम सबकी जिंदगी की कहानी। यही तो हम सब कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि कितनी जमीन घेर ले। 12 भी बज जाते हैं, 2 भी बज जाते हैं, लौटने का समय भी हो जाता है। न भूख की फिक्र है, न प्यास की फिक्र है, जीने का समय ही कहाँ है। पहले जमीन तो घेर ले, तिजोरी तो भर ले, बैंक में रुपया तो इकट्ठा कर ले, फिर जी लेंगे, फिर बाद में जी लेंगे। पर कोई जी नहीं पाता। जीने के लिए थोड़ी विश्रांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त में नहीं मिलता, जीवन को जीने के लिए बोध चाहिए। कितनी प्यारी बात कही है किसी ने, जिंदगी एक पल है जिसमें ना आज है ना कल है। जी लो इसे ये सोचकर कि ये हमारी जिंदगी का सबसे हसीन पल है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।